जनपद रामपुर बिजनौर अमरोहा मुरादाबाद में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाली समस्त मुस्लिम महिलाओं व उनके पतियों पर साबक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग को लेकर विश्व दलित परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्रीय ज्ञापन मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से विश्व दलित परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र पाल सिंह ने यह कहा कि मुरादाबाद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन अनुसूचित जाति के संवैधानिक हकों को लूटने की शिकायत न सुनकर दलितों का शोषण कर रहा है। इससे दलितों के हक मारे जा रहे हैं। पुलिस दलितों की रिपोर्ट दर्ज न कर टाल देती है। इस संबंध में मुरादाबाद के IG को कार्यवाही हेतु शिकायती पत्र इस आशय से दिया गया था कि जिला मुरादाबाद पंचायत चुनाव में मुस्लिम धर्म अपना चुकी कुछ महिलाओं ने विधि विरुद्ध संविधान का उल्लंघन न कर सके, लेकिन वे अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ी, जिसमें कई वार्डों में ब्लॉक मुरादाबाद के ऐसे शामिल हैं जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करके चुनाव लड़ा गया। पुलिस द्वारा इन मामलों में कोई उचित कार्यवाही नहीं करी गई, जिसको लेकर आज विश्व दलित परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंडल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को भेजे गए 5 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जो मुस्लिम महिलाओं व उनके सहयोगियों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सदस्य जिला पंचायत चुनाव के वार्डों और ब्लॉक में चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाए, दलितों का हक सुरक्षित कराया जाए, दलितों के शोषण की शिकायत न सुनने वाले जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की जाए, दलित विरोध IG मुरादाबाद को हटाया जाए। ज्ञापन देने वालों में भूपेंद्र पाल सिंह, ओमकार सिंह एडवोकेट, जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार चड्डा, नौशाद अली एडवोकेट, बचन सिंह चौहान, रामानंद पासवान, जितेंद्र कुमार, आनंद पाल, डिम्पल सागर आदि लोग मौजूद थे। भूपेंद्र पाल सिंह जाटव, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व दलित परिषद। जी, किस समस्या को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है? पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 341 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के पैरा 3 का वायलेशन कर तमाम तहसीलों में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र कूटरचित झूठे शपथ पत्रों पर बनाए जा रहे हैं, और वो कई तमाम लोग जो अनुसूचित जाति में नहीं आते, मुस्लिम होने के बावजूद, SC का प्रमाण पत्र लेने के बावजूद SC का आरक्षण लूट रहे हैं, इन सब के खिलाफ हम FIR दर्ज कराने के लिए उनको जिला पंचायत सदस्य या प्रधान या BDC या किसी नौकरी पे जो भी कार्यरत हैं उनको बर्खास्त कराने के लिए ज्ञापन मंडल आयुक्त महोदय को आज देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो क्या मांग करते हैं ज्ञापन महोदय? पर जो कूटरचित अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र हैं वो द प्रोसीजर डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी में निरस्त किए जाएं, उसके बाद उन पर FIR इंश्योर की जाए, उन सबको जेल भेजा जाए जिन्होंने गलत इलीगल सर्टिफिकेट जारी किए हैं, और रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने जो ब्लॉक के RO थे, RO ARO, उन्होंने विधि विरुद्ध गैर SC को जिला पंचायत सदस्य या प्रधान या BDC निर्वाचित किया, उन सबके खिलाफ उनको बर्खास्त किया जाए, उनको सुना जाए, सुनने का अवसर दिया जाए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि उनको एक नोटिस भेज के सुना जाए और उसके बाद पूरी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो भी की जाए और उनको पद से